गच्छामि समय पाहुं विडमो सुद केवली भैरम तुभ्यं नमः श्रीभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः चिदितलामयभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषराय तुभ्यं नमो चौबीस दिन शंकर भगवान की वर्तमान दिन सत्संग वर्तमान महावीर भगवान की आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की लिफ्ट में बैठने के बाद भी ऊपर नहीं पहुंचे क्योंकि दरवाजा बंद था। प्लेन में बैठने के बाद भी उड़ नहीं सके। लिफ्ट में बैठने के बाद भी ऊपर नहीं पहुंचे क्योंकि दरवाजा खुला था। प्लेन में बैठने के बाद भी उड़ नहीं सके क्योंकि दरवाजा खुला था। तिजोरी में जेवरात रखने के बाद भी सुरक्षित नहीं रहे क्योंकि दरवाजा खुला था। और धर्म ध्यान तीर्थ वंदना करने के बाद भी अस्त्र बंद होता रहा क्योंकि दरवाजा खुला था। मन वचन कार्य के योग से अस्त्र बंद हो रहा है और अशुभोग योग की यात्रा बहुत चल रही है। शुभोग योग की यात्रा बहुत थोड़ी चल रही है। जब तक लिफ्ट का दरवाजा बंद ना करेंगे तब तक लिफ्ट चलेगी नहीं, ऊपर पहुंचेगी नहीं। जब तक हवाई जहाज का दरवाजा बंद नहीं करेंगे तब तक हवाई जहाज उड़ेगा नहीं, उड़ान पूरी होगी नहीं। जब तक दरवाजा बंद ना करेंगे तब तक कितना हीरे मोती इकट्ठे कर लो असुरक्षित रहेंगे, चोरी होगी, आप अमीर नहीं हो पाएंगे। और जब तक आश्रय बंध का दरवाजा बंद ना होगा तब तक संभव निर्णय नहीं होगा, जीव का मोक्ष नहीं होगा। आत्मार्थियों जिनवाणी ये समझाती और ये हम समझ करके मन वचन काय की प्रवृत्ति को सही में दिशा में लेके चले। मन की फूटी बाल्टी में संतोष का पौधा लगाइए। मन की बाल्टी फूटी हुई है, कुछ भी डालते जाएंगे नीचे नीचे निकल कर जाएगा। यदि इसमें निर्लोभता की मिट्टी भर के संतोष का पौधा लगा दें तो जीवन में सुकून आएगा। कर्तव्य की काफी और चिंतन की चाय,
कर्तव्य की काफी, चिंतन की चाय और साथ में हो श्रद्धा का नाश्ता। कर्तव्य की काफी, चिंतन की चाय और श्रद्धा का नाश्ता हो। इंसानियत की ईंटें, सच्चाई का सीमेंट और चारित्र के चूने से अपना सच्चा घर बनाओ। लेकिन ये आजकल सारी चीजें गौण होती जा रही हैं। आजकल स्वार्थ के कारण से इंसान कुछ भी करने को तैयार है। सच्चाई और ईमानदारी एक तरफ रखिए, सियासत के लिए और रियासत के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उत्तर प्रदेश के एक राजनेता ने बयान दिया, जितने सारे हिंदू मंदिर बने हैं सब बौद्ध मठों के ऊपर बने हैं। नेता तो चालाक आदमी का ही नाम होता है, जो जितना ज्यादा शियार होता है उतना ही वो बड़ा नेता बनता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, जितने सारे मंदिर बने हैं हिंदू संप्रदाय के, वे बौद्ध मठ के ऊपर बने हैं। शायद स्वामी जी को पता नहीं है कि बौद्ध धर्म केवल 2600 साल पुराना है और जैन धर्म अनादि निधन है, आदियां से चलाया है, वेदों में पुराणों में उसका व्याख्यान है। और जिस केदार बद्रीनाथ का उन्होंने नाम लिया है वहां जाके देखिए तो बात तो सच्ची है, लेकिन वो बौद्ध मठ के ऊपर नहीं, जैन मंदिर के ऊपर बना हुआ मंदिर है। बल्कि मूर्ति भी उसमें आदिनाथ की है, सिर्फ उन्हें ऊपर से सजा दिया जाता। महालक्ष्मी मंदिर जाके देखिए, तिरुपति बालाजी का मंदिर जाके देखिए। स्वामी जी ने बात तो सही कही, लेकिन राजनीति वाला शब्द बौद्ध डाल दिया ताकि वोट बैंक को साधा जा सके। सच्चा शब्द है जैन उसमें, और वे खुद अपनी आंखों से देखें। इस प्राचीन जैन धर्म के साथ पता नहीं क्यों ऐसे उठा पटक हमेशा से होते रहे, हमेशा से नुकसान हुआ। और कोई भी आया इस धर्म को, इस संस्कृति को, इस विरासत को जबरदस्त चोट पहुंचाई, और आज भी नए नए ताजे उदाहरण हैं। अगर स्वामी जी को विश्वास ना हो तो ताजा उदाहरण देख लो गिरनार जी का। वहां कोई बौद्ध मठ नहीं, बौद्ध विहार नहीं, जैन मंदिर, जैन टॉक है, नैमिनाथ भगवान का निर्माण स्थल है, सारे शास्त्र बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में वहां जो चल रहा है उस पर बोलने वाला देश क्या, दुनिया में भी शायद कोई इंसान जिंदा नहीं बचा जो कह सके और उसके लिए लड़ सके। ऐसा अन्याय क्यों? ताजी उदाहरण देख लो गोमंटगिरी इंदौर का, सारा तीर्थ जैनों का, लेकिन बाउंड्री वॉल नहीं बनने देंगे। भंडारगिर देख लो, 15-20 साल पहले कुछ खास नहीं था, लेकिन आज पांव रखने की जगह नहीं बची। खंडगिरी उदयगिरी देख लो, तीर्थंकरों की प्रतिमाओं पर कपड़ा लपेट दिया, आज भी कपड़ा खोला जा सकता है, देखा जा सकता है। इतने कमजोर हो गए हम कि किसी बात को खुल के बोल तक नहीं सकते। धर्म से अगर किसी को, जिनशासन से किसी को प्रेम होगा तो बस अकेले में बैठ के रोएगा, बस ऐसा ऐसा अत्याचार हो रहा है, ऐसा ऐसा नुकसान हो रहा। Thank you.
किसी भी तीर्थ पर जगह से शुरुआत करते हैं, एक पत्थर रखते हैं, रंग पोतते हैं, अगले साल मंदिर बन जाता है और वहां के लोग देखते रह जाते हैं, जैनी गिड़गिड़ाते रह जाते हैं, भाई इतनी ज्यादती क्यों कर रहे हैं। बोले नेताजी ने कह दिया गिरनार पर वाक नहीं करना। क्यों नहीं करना बाद साहब, हमारे ही तीर्थ पर हम ही बात ना करेंगे तो कौन करेगा। ये बात ठीक है कि आपकी सियासत का, आपकी राजनीति का, आपकी सत्ता का डर है लोगों में, इसलिए अमीर लोग और बड़े बड़े आदमी भी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जिनको अपने धर्म से प्यार है कुछ तो बोलेंगे। बोलते रहे, 370 खत्म करिए, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाइए, मुट्ठी भर लोग वहां बचे, लेकिन फिर भी आवाज लगाते रहे तो आज कश्मीर आबाद हो रहा है। खूब दबाया गया कि कोई बात नहीं करेगा इस चीज की, लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलते रहे कि कश्मीर हमारा है, भारत का है। अगर वो थोड़े से नहीं बोल रहे होते तो आज कश्मीर भारत का नहीं होता। हम अगर थोड़े से लोग ही बोलते रहेंगे तो सच्चाई कभी ना कभी तो सामने आएगी। किसी के ना कहने से क्या होगा। हमने कब मना किया है कि आप कॉरिडोर ना बनाएं, हमने कब मना किया है कि और तीर्थों के लिए खर्च ना करें। आप 13,000 करोड़ करें खर्च, कितने भी 1,000 करोड़ खर्च, देश का पैसा देश में ही रहेगा, लेकिन देश की जो और पुरातत्व व्यवस्थाएं हैं, प्राचीन धर्म है, संस्कृतियां हैं, उन्हें भी जीवित रहने का अवसर देना चाहिए, उन्हें भी संभालने की कोशिश करना चाहिए। इतिहास ही ना रह जाएगा, क्योंकि एक मुसलमानों में ऐसा साथ सम्राट हुआ है, बादशाह हुआ है, जिसने कोशिश की थी कि दुनिया का सारा इतिहास मिटा दें, इस दुनिया में केवल एक नाम रहेगा। कौन सा नाम, कौन था वो है? औरंगजेब बाद में आया, आदिल शाह, उनमें तो ढेरों हुए, लेकिन एक ने जबरदस्त कोशिश की थी और सारे शास्त्र खत्म करने की कोशिश की, सारे मंदिर तोड़ने की कोशिश की, सारी चीजें की, सारे इतिहास जलाए, पुरखों के इतिहास जलाए, अपने बाप दादों के भी इतिहास जलाए, सिर्फ इतिहास बचेगा तो मेरा बचेगा। आज उसका नाम इतनी बड़ी सभा में भी किसी को याद नहीं आ रहा। पैसे झूठे इतिहास बनाने वाले लोग कितना भी करके जाए अक्सर भुला दिए जाते हैं। ये चाहे सत्ता हो चाहे शक्ति, सबको ये चाहिए कि कोशिश करें कि जो इतिहास, जो संस्कृति, जो पुरातत्व, जो विरासतें हैं वो जीवंत रहे। गिरनार जी के लिए कुछ मत बोलिए, सब लोगों ने मुंह पर पट्टी बांध ली है, कुछ नहीं बोले। हमें समझाने आएंगे लोग, हम तो भाई वैसे ही समझे हुए हैं, हमने तो बड़ी बड़ी संस्थाओं को भी इशारा किया कि एक बार आके बैठे और बात करें विभिन्न मसलों पर, लेकिन शायद सभी सो रहे। विभिन्न संप्रदायों के संतों को भी संदेश भेजा कि एक बार बैठ करके कोई ठीक ठाक प्लान बनाइए, वरना बेमौत मारे जाएंगे। बहुत कुछ खो देंगे। लेकिन सभी आप मुक्त हैं। 1,500 आदमी से घिर जाते हैं तो ऐसे समझते हैं कि हम ही तीर्थंकर बन गए।
कानों पर हमेशा जय जयकार सुनाई पड़ते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे सब और हम ही हम हैं और चमन ही चमन है। थोड़ा बाहर झांक के देखिए, मालूम पड़े ये हमारी आत्ममुग्ध होने की जो कला है ना, ये बहुत खतरनाक है। आत्मसंतुष्ट होना चाहिए, आत्मशांति बढ़ाना चाहिए। और महावीर भगवान तो कहते हैं, कुंद कुंद अमृत संत स्वामी कहते हैं कि अपने में डूब जाना चाहिए, लेकिन कभी ऐसे अवसर आए तो शत्रु मुर्ग की तरह रेत में मुंह नहीं छिपाना चाहिए। जजब की बात है, छोटे छोटे संप्रदायों के छोटे छोटे अवसर आते हैं और सरकार के खजाने खुल पड़ते हैं। महावीर भगवान का 2550वां निर्वाण उत्सव सम्मुख है। बात कहां से कहां पहुंची अभी तक कुछ भी पता नहीं, क्यों नहीं मनाना चाहिए साहब? सारी दुनिया को अहिंसा जीने सिखाई, क्योंकि अहिंसा इंसान का जीव का स्वभाव है। फिर भी अपने जीवन भर जो हमेशा उसी पर डटे रहे, शुद्ध पूर्ण अहिंसा पर। और जिनने वो विचारी क्रांति की कि उस विचार को लेने लेके चलने वाले लोग आज तक जिंदा है। और मुझे लगता है कि कहीं अहिंसा और शांति और प्रेम के चक्कर में ये समाज बहुत पिछड़ तो नहीं गए। हथियारों के बल, शक्ति के बल पर लोग आगे बढ़ते रह गए और हम सबका हित चाहने वाले पिछड़ते गए। जो भी है, लेकिन सुख और शांति के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए महावीर स्वामी और उनसे संबंधित निर्वाणोत्सव को पूरी दुनिया में मनाना जरूरी है, ताकि इस माध्यम से उनके संदेशों को दुनिया तक पहुंचा जाए। गिरनार के किस्से को लेकर के एक सज्जन है, एक बड़े राष्ट्रीय व्यक्ति को, राष्ट्रवादी व्यक्ति को अपनी बात कही कि आप कुछ क्यों नहीं करते हैं, आप क्यों नहीं आगे सूचनाएं पहुंचाते हैं, ऐसा मत करिए। तो उन्होंने भी क्या जवाब दिया, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। अगर कोई समर्थ व्यक्ति है, समर्थ है, तो उसे कोई दोष नहीं है, चाहे गिरनार जी जाए, चाहे कहीं कुछ भी हो जाए, समर्थ लोग सब कुछ कर सकते। समाज को समर्थ बनना होगा, साधु संतों को एकजुटता की तरफ सबको लेके चलना होगा। और अगर समर्थ बचेंगे बनेंगे तो बचेंगे, वरना जीवन रह सकता है, संस्कार नहीं बचेंगे। लोग सोच रहे होंगे महाराज जी को आजकल बहुत खाली अंदेशे होने लगे, लेकिन जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, इनको तो कोई भी जरा सा विचार करे तो अंदेशे स्वाभाविक है। ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा क्यों किया जा रहा, इस पर चिंतन करें, कुछ करते बने तो करने की कोशिश करें। 6 तारीख को फिर एक बड़ा कार्यक्रम है, कार्यक्रम तो आगे आगे ही है, लेकिन सार्थकता कितनी होती है ये तो भविष्य ही बताएगा। समय सार में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं कि भाई दुनियादारी की फिक्र छोड़ो, त्योहार तीर्थ की और दुनियादारी की भी फिक्र छोड़ो, अब तो अपनी फिक्र करो। आई कथम अपि नत्वा तत् कौतूहली सन् ननु भव भव मूर्ते पार्श्व वर्ती मुहूर्ता।
प्रचगत विलसंतम सम समालोकेन तेजसी जगति मूर्ता साख मेकत्व मोह। हे भाई, हे बंधु, कैसे भी मर करके भी तत्व के कुतूहल मात्र से भी तत्व को जानने की इच्छा करके एक मुहूर्त के लिए ही सही मोटे पास वर्ती भाव शरीर के पड़ोसी बन जाओ। पृथ्वीगल संतम शरीर से भिन्न जिसका विलास है ऐसे अपनी ही आत्मा को देख करके उसका अनुभव और शरीर से जो एक आत्मकता है उसका त्याग करो। शीघ्र ही शरीर का मोह छोड़ो। देह और आत्मा की भिन्नता दिखाने वाला इस कैसे भी मर करके भी फिर ज्ञान कर जहां देह से भी आत्मा की भिन्नता दिखा रहे हैं वहां पुद्गल और पदार्थों से तो भिन्न ही है। व्यवहार बीच में क्यों आ जाता है कि जिनालयों की रक्षा करो मुनि राजों की रक्षा करो। रक्षा कौन किसकी कर सकता है? जो होना है सो होना है। लेकिन जिनको देवशास्त्र गुरु की भक्ति का और संरक्षण का राग नहीं आता समझना वो सम्यक दृष्टि भी नहीं क्योंकि अभी भीतरागी थोड़ी हो गए। अरे भाई विषय विकारों में तो तुम राग करते फिरते हो घर गृहस्थी को संभालते हो दुकान चलाने भी चले जाते हो बच्चे के विवाह के लिए भी उपक्रम करते हो और जब इस तरह की धर्म त्याग की बात आती है तो कहते हो जो होना है सो होना धन्य है आपका। जब वहां इतना राग पड़ा हुआ है तो धर्मायतनों का राग तो ज्ञानी को होता ही है। उसकी भूमिका के अनुसार आप कहीं चला नहीं जाता। एक जमाना आया जब भट्टारकों ने जिन शासन के लिए बहुत बड़ा उपक्रम किया बंद में एक जमाना था मुनियों का निकलना तक बंद हो गया मुनियों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। तब कुछ बुद्धिमान लोगों ने सोचा कि किसी न किसी रूप में इसकी सुरक्षा को रखना ही होगी वे किसी न किसी रूप में व्रत पालते रहे समाज की तीर्थों की पुरातत्व की सुरक्षा करते रहे और दक्षिण भारत में जो कुछ भी शेष है ये उन्हीं की बदौलत है। चारित्र निष्ठा बनी रहे तीर्थों के प्रति देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण बना रहे बहुत आवश्यक है। अगर ना समझे तो कहीं वही दिन वापस ना आ जाए। अभी देर नहीं लगती कभी तलवार के बल पर होते थे परिवर्तन आजकल वोट बैंक आप क्या चीज है। महाराष्ट्र की बड़ी पार्टी के नेता हाथों हाथ शरणागत हो गए और आज मंत्री पद का सुख भोगते हुए आनंद से ABCBI और ये जो संस्थाएं होती हैं और इनका क्या उपयोग होते हैं हम तो कम ही जानते हैं। लेकिन सत्य आकर सामने मुंह बोलने वाले अच्छे अच्छों को लाइन में लगा दिया जाता है। जो भी है सत्ता कितनी भी बड़ी हो सत्य से बड़ी नहीं होती है। सज्जनों व्यवहार सत्य अमर रहे और निश्चय सत्य को आप समझें यही मंगल भावना है।
संतगुरु स्वामी कहते हैं, यानी निखारो अपने आप को, अपने आप को थोड़ा संभाल लो। निखार दिया जाए, संभाल दिया जाए तो एक कपड़े के भी कीमत बढ़ जाती है। भी सुनते थे आप छोटी सी कहानी, पिता ने बेटे को कहा कि जाओ बेटे इस टी शर्ट को 200 रुपए में बेच के आओ। बच्चे ने कहा पिताजी अभी अभी तो स्कूल की छुट्टियां हुई हैं और अभी अभी तो मैं घर पर आया हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए यही तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, दूसरी परीक्षाएं चालू हो रही हैं कि तुम कितने बुद्धिमान हो और कभी मौका पड़ेगा तो व्यापार कैसे करोगे। तो उसने कहा कि पिताजी तो 100 रुपये में बेचते हैं आप तो 100 रुपये की टी शर्ट, भाई मैं 100 में बेचता हूँ लेकिन तुम 200 रुपये में बेच के आओ। और उसने क्या बुद्धिमानी की, उसे बढ़िया से धोया, प्रेस किया और कट करके बाजार चला गया। दूसरे कपड़ों से हटके हुआ थोड़ी सी दिख रही थी और किसी अमीर ने तुरंत पसंद कर लिया और उसको हाथों हाथ 200 रुपए। जब 200 रुपए लेके पहुंचा तो पिता ने कहा कि देखिए दूसरे दिन अब तुम्हें ये 500 रुपए में बेच के आना। विचार किया चैलेंज है, ठीक है देखते हैं। विचार करता है कि 500 रुपए में कैसे बेचे, तो साधारण सी टी शर्ट को उसने धोया और एकदम बढ़िया सा भगवा रंग किया, एकदम शादी से सफेद सफेद दिखने वाली, एकदम येलो, एकदम केसरिया दिखने लगी। और वहां से आए पंडित जी और ऐसी बढ़िया टी शर्ट देख करके उन्होंने कहा कोई बात नहीं 500 रुपये। पाँच सौ रुपये लेके पहुंचा पिताने के बाद माल कर दिया। अगले दिन फिर उसी टाइप की वैसी एक टी शर्ट दी और अब तुम्हें 2000 रुपये बेच के आना। इसमें दिमाग लगाना चालू किया, 2000 रुपये में कैसे बेचा, 100 रुपये की चीज 2000 रुपये में कैसे बेची जा सकती है, 100 रुपये की चीज की कीमत 2000 रुपये कैसे हो सकती है, आप लोग बताइए सभी है? अच्छा चार में गिर देवे, तो फिर ऐसा करें उसको वो लेके गया और ऐसा मनोज जैसा व्यापारी मिल गया तो उन्होंने सोचा कि ये तो चार में बिक सकती है 2000 रुपये में बढ़िया से खरीद। कैसे खरीद, 2000 में कैसे बिकी, वो दिखना भी तो चाहिए कि 2000 वाली चार में बिक जाएगी। उसने दिमाग लगाया, धोया, चमकाया, रंग किया और तो उसने एक सुंदर सी पेंटिंग्स को ऊपर बनाई और बाजार में जहां स्कूल के बच्चे निकलते हैं वहां ले गया। और बच्चों ने उस पेंटिंग्स को देखा, एक बच्चे को बहुत पसंद आई, उसके पिता उसे लेने आए, चलो बेटे चलो गाड़ी में बैठो आप घर चलते हैं। उसने कहा पापा वो टी शर्ट, अमीर थे बेटे की पसंद है, अच्छी भी है और उन्होंने 2000 रुपये में। बच्चा और चलते कूदते घर पहुंचा कि देखिए सर, देखिए पिताजी 2000 रुपये बेच गया। पिता ने कहा बेटे वो तो होना, अब बात तब बने जब अगले दिन यही टी शर्ट तुम 5000 रुपये बेच गया। फिर उसने दिमाग लगाना चालू किया, कुछ समझ में ना आया, सब तरह से तैयार करके वो बाहर की तरफ निकला। रास्ते में चल रहा था, उसे मालूम पड़ा शूटिंग चल रही है,
और जैसे तैसे करके वो हिम्मत करके लोगों को बीच में से घुसता हुआ सीधा हीरो के पास पहुंच गया और उसने कहा, सर प्लीज यू आर ऑटोग्राफ। और छोटे से बच्चे को देख करके उसने भी सोचा कि क्या है, जरा सा ऑटोग्राफ देखने की आदत है। टी शर्ट के ऊपर उसने ऑटोग्राफ दे दिया। बाहर निकल करके खड़ा हो गया, उसने कहा, आवाज लगाना चालू कर दिया कि देखिए जिसको देखने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं आप, उसके ऑटोग्राफ है इस टी शर्ट पर, कि किसको चाहिए। गोली लगना चालू हुई, कहां तक पहुंच गई, बहुत खुशी से घर पहुंचा। पिता ने जब देखा बहुत खुशी हुई, तो उन्होंने कहा, बेटे बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन हम समझ सकते हो कि इतनी तरक्की तुमने कैसे की। ध्यान रखना, जिंदगी में जो व्यक्ति जितनी मेहनत करता है, जितनी साफ सफाई से काम करता है, जितना दिमाग लगा के काम करता है, वो उतना ऊपर जाता है। निश्चित रूप से तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी बुद्धि से तुम्हें इतना ऊपर पहुंचे। कहानी से सीखिए कि एक कपड़ा यदि धुलता जाता है, साफ होता जाता है, उसका विकार मिटता जाता है, तो उसकी कीमत बढ़ती जाती है। ऐसे ही महावीर भगवान कहते हैं कि जैसे आत्मा का मैल धुलता जाता है, तो आत्मा सम्यक दृष्टि होता है, कीमत बढ़ जाती है। और मैल धुलता है, आत्मा देश व्यक्ति होता है, सुल्लभ जी का प्रगाहन होने लगता है। और मैल धुलता है, मुनिराज बनते हैं, घर घर हे स्वामी नमोस्तु के नारे लगने लगते हैं। और पूरी तरह से धुल जाता है तो अरहंत बनता है, सिद्ध बन के गौ के पास। सफाई लगेगी, मेहनत लगेगी, बुद्धि लगेगी। और जब एक निष्ठा से तुम मार्ग पर लगे रहोगे, तो सारा आत्मा भी परमात्मा सिद्धात्मा बन जाएगा। किसी भी दिशा में कोशिश और मेहनत तो करना हो। जैसे पर्याय के प्रति एक निष्ठा है, वैसे द्रव्य के प्रति भी होना चाहिए। आचार्य देवकुंद कुंद स्वामी कहते हैं, देह और जीव दोनों भिन्न है। तो कोई शंकाकार कहता है कि दोनों भिन्न है, अगर दोनों भिन्न है तो तीर्थंकर आदि की स्तुति मिथ्या हो जाएगी। यदि जीवो न शरीरम तिथैरार्य संथुदीचे वो सब्बा विहवदि मिच्छा तेन द्वारा अवधि देहो। 26 नंबर की गाथा है। अब प्रतिबुद्ध जो है, जो समझा नहीं है तत्व को, वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, भिन्न भिन्न कैसे हो सकते हैं। यदि जीवो ना शरीरम, यदि जीव और शरीर एक नहीं है, जीव शरीर नहीं है, तो तीर्थंकर की स्तुति क्यों करते हो आप? आचार्यों की स्तुति वगैरह वो सब की सब मिथ्या हो जाएगी, स्तुति करना बेकार हो जाएगा। अरे यही तो कहते हैं आप, हे तीर्थंकर भगवान, आप कैसे सूर्य के समान दीप्यमान हैं, आपकी मुद्रा बहुत शांत है, आप हाथ पर हाथ रख करके विराजे हैं, आपकी वीतराग मुद्रा वीतरागता का पैगाम देती है, आपके ओंठ ऐसे सहजता का संदेश देते हैं कि मौन रखो, आपकी आंखें कहती हैं कि बहुत देख लिया संसार, आंखें बंद करो, आपका मौन कहता है बहुत बड़ बड़ करने से कोई फायदा नहीं है, चुपचाप अपने में समा जाओ। अरे भाई, इसी तरह से आप स्तुति करते हैं तो ये स्तुति तो मिथ्या हो जाएगी।
क्योंकि स्तुति तो पुद्गल की हो गई, तीर्थंकर की कहा। कांते वस्न पयंदिये दस दिशो धामनाम निरुद्धंतिय दामोत्ताम महस्त्रिनाम जनमनो मुसलंति रूपेणे दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयोः साक्षाच्छरन्तु मृतं वन्द्यास्तेष्ट सहस्रलक्षणधरा तीर्थेश्वरा सुरयः। हे भगवान, इस स्तुति में ऐसे कहा है कि जिनके कांति से, जिनके शरीर की कांति से दसों दिशाएं मोहित है, दसों दिशाओं का धाम रुक गया है, अत्यंत प्रभावान सूर्य आदि का प्रभाव भी फीका पड़ गया है, और जो अपने रूप सौंदर्य से लोगों के चित्त को चुरा लेते हैं, चित्त चोर कौन है? बोलो हैं? दिल चुरा लिया, ऐसे होता है ना, किसने चुरा लिया? यहां तो तीर्थंकर भगवान की बात कर रहे हैं, अमृतचंद स्वामी के वचन है, नहीं तो कहने लग रहा हूं महाराज जी लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। मुष्णन्ति जनमनो रूपेण, मुष्णन्ति मतलब होता है चुरा लेना, जनमनो माने लोगों के मन को अपने रूप से, होता है ऐसा सुंदर रूप, देवता भी देखते रह जाएं, देवियां भी देखते रह जाएं, और ऐसा सुंदर रूप होता है। बयन नहीं कहत, वचन नहीं बोलते हैं फिर भी होत सम्यक धर्म, सम्यक दर्शन जिनके दर्शन से पैदा होता है, आया ना कंदेश्वर की पूजा की जयमाला में, वो प्रतिमाएं इतनी सुंदर है, और साक्षात तीर्थंकर प्रभु का रूप कितना सुंदर है। अत्यंत सुंदर रूप के नारी होते हैं, सीत रक्त श्रेष्ठतम संस्थान, उत्तम सगना, उत्तम वर्ण, अगर शरीर का रंग श्यामल भी है तो श्यामल भी ऐसा कि जो देखे सो देखता ही रह जाए। दो नीले दो लाल जिन, दो गोरे भगवान, दो तीर्थंकर जी हरे, सोलह स्वर्ण समान, तो गोरे वाले भगवान अच्छे लगेंगे, श्यामले वाले भगवान वो भी उतना ही अच्छे लगेंगे। ये सूत्र सभी पर लागू होगा कि अपनी कांति से जिन्होंने दसों दिशाओं के प्रकाश को रोक दिया है, अपने उद्दाम महामनस्वी रूप से जिन्होंने लोगों के चित्त को चुरा लिया है, जिनकी दिव्य ध्वनि सुनने में अत्यंत सुखकारी है, कानों को ऐसे लगता है जैसे अमृत झरना, सहजता शालीनता से जैसा सार की धारा बहती है, तो ऐसे फील होने लगता है, गुड फील होने लगता है, अमृत चल रहा हूं। पंजा तीर्थ सहस लक्षण ग्रह तीर्थ स्वराह सूर्य, वे 1008 लक्षण को धारण करने वाले तीर्थंकर सूर्य
वे 1008 लक्षण को दान करने वाले वो तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर सूरी जयवंत हो, वे तीर्थंकर और वे आचार्य भगवंत जयवंत हो। अब बताइए ये स्तुति सच्ची है कि झूठी है, बोलो बोलो सच्ची है। क्यों सच्ची है? रूप भगवान का है क्या? तो तेज किरणें जो निकल रही है वो भगवान की है क्या? दिव्य ध्वनि खिल रही है, अक्षर संरचना है, भगवान की है क्या? बोलो बोलो, वो चेतन की है कि जड़ की है? थोड़ी मुलत का ना ही डाल दे। इसका समाधान आगे आने वाला है, लेकिन फिलहाल इतना जरूर समझ लीजिए कि तीर्थंकर प्रभु का आत्मा उस देह में विराजा है। जो तीर्थंकर भगवंत हैं, जो चैतन्यमय आत्मा ने वैसी प्रकृति का अर्जन किया है, वैसा पुण्य कमाया है, वो उस देह से संयुक्त है। इसलिए वास्तव में केवल एक उद्गल की महिमा नहीं की जा रही है, अभी तो देह में विराजित तीर्थंकर भगवान की ही महिमा है। ये उपचरित है, उपचरित सद्बोध व्यवहार नहीं की विवक्षा है। तीर्थंकर भगवान के अभाव में वैसी महिमा नहीं होती उस देह की। आचार्य भगवान हैं, भी देह संयुक्त है। ये बात ठीक है कि आचार्य श्री का देह और उनकी आत्मा दोनों सर्वथा निश्चय रह से एक नहीं है, लेकिन क्या करूं, जब तक तन में है तो तन अपना काम करता है। एक उपास हो जाए तो ही लेटना पड़ जाता है, बैठे बैठे थक जाते नहीं? अच्छा, किस किस ने उपास किया आप लोगों में से? 1, 2, 3, 4, 5 इतने सारे लोग उपास करने लगे। दिल्ली के दूसरे लोग सुनेंगे तो कहेंगे महाराज जी सबको अपने जैसा उपासी बना देंगे। लेकिन ध्यान रखना, अंतरंग निर्मलता बढ़ाने के लिए बाह्य तप भी जरूरी है। देह जीव की भिन्नता का प्रैक्टिकल प्रयोग भी तो कुछ करो। जब दोपहर तपती है, देह तड़पती है और फिर भी स्थिरता बनी रहे कि ज्ञानानंद स्वरूप को हम, तो समझना कि सही रास्ते चल रहे हैं। हम सही रास्ते चलें और सत स्वरूप को उपलब्ध हों, यही मंगल भावना। जय बोलिए, अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। एक सूचना, आज दोपहर 4 बजे कुछ मांगलिक कलश जो रह गए थे वो